जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह जी द्वारा एक और ही बहुत ही बड़ा आदेश देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पे जो भी कार्य हैं उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से किया जाए और जो भी कार्य नहीं पहुंच पा रहे हैं आम जनता तक, उसको कैसे पहुंचाया जाए, इसी पे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपसे निवेदन करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सभी जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएँ और समझ पाएँ। दोस्तों सभी अधिकारियों को इसमें टैग भी किया गया है, यहाँ तक कि मुख्य विकास अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं और तमाम अधिकारी हैं, चाहे किसी भी विभाग के हों, कृषि विभाग के हों या फिर पशुपालन विभाग के हों, जो भी विभाग है, वन विभाग के हों, हर एक विभाग के अधिकारी को इसमें टैग किया गया है क्योंकि गांव को बेहतर बनाने की बात इसमें कही जा रही है और गांव हर तरीके से हर विभाग से कहीं ना कहीं अटैच दिखता है और पंचायत सहायक भी गांव के सभी लोगों को हर विभाग की योजनाओं से लाभान्वित भी कराने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है और आप लोग बार बार देख भी रहे हैं। दोस्तों जानकारी बहुत ही बड़ी है, बहुत ही शानदार है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस अपडेट को देखिए क्योंकि इसमें सभी विभाग की बात कही गई है और सभी विभाग के अधिकारी इसमें सम्मिलित भी होने वाले हैं और मिलजुल के गाँव में कैसे विकास किया जाए उस पर काम भी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये अपडेट क्या है, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों एक साथ सभी विभागों को संलग्न करके एक पत्र जारी किया गया है मनोज कुमार सिंह द्वारा। आप इसमें हर एक चीज़ को समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ। सेवा में अपर मुख्य सचिव सचिव पंचायती राज विभाग, पहले पंचायती राज विभाग की बात कही जा रही है, उसके बाद नियोजन विभाग, वित्त विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, दुग्ध विकास राज्य, ग्रामीण आजीविका मिशन, सामाजिक वानिका, पर्यावरण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, भूमि विकास खेल एवं युवा कल्याण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग, गृह विभाग एवं अन्य, समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। दोस्तों विषय आप सबसे पहले देख लीजिए, सत विषय लक्ष्य का स्थानीयकरण के कार्यान्वयन हेतु समस्त विभागों के स्तर से आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में क्या कार्रवाई करनी है। आगे देखिए महोदय, आपको अवगत कराना है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों राष्ट्रों ने सितंबर 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों और उनके 169 उद्देश्यों की अंगीकार किया गया, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्थानीय सरकारों की अहम भूमिका है। भारतीय संविधान में उल्लेखित पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। आर्थिक के 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों में जुड़े कार्यों का नियोजन और उनके क्रियान्वयन में प्रभावीशाली भूमिका निभाना पंचायतों की जिम्मेदारी है। सतत विकास लक्ष्यों के कई उद्देश्य इन्हीं विषयों के दायरे में आते हैं। प्रदेश में ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें एवं जिला पंचायतें अपनी कार्य योजनाएँ तैयार कर रही हैं, जिससे उन्हें अपनी योजनाओं का सतत विकास लक्ष्यों के साथ सम्मानित करने का मौका मिला है। विभिन्न राज्य में अनेक योजनाओं से प्राप्त होने वाली संसाधनों में पंचायत स्तर पर जुटाया जा रहा है और उनके लाभ उठाया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय ने निम्नलिखित 9 विषयों के माध्यम से SDG लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है। विषय क्या है? गरीबी मुक्त गांव। दोस्तों ये है गरीबी मुक्त गांव। इसमें क्या क्या स्थानीय लक्ष्य हैं आप देख सकते हैं, क्या क्या संबंधित विभाग हैं ये आप देख सकते हैं। पहले कृषि दिया हुआ है, ग्राम विकास, समाज कल्याण, पशुधन और डेयरी, ये संबंधित विभाग हो गए हैं। और स्थानीय लक्ष्य जो है किसानों की आय वृद्धि, गरीबों एवं कमजोर लोगों को पूर्व वर्ष रियायती मूल्य एवं पर्याप्त भोजन की उपलब्धता, ये हो गया दोस्तों आपका संबंधित विषय गरीबी मुक्त गांव। दूसरा विषय आप देख लीजिए स्वास्थ्य गांव। तीसरा विषय पर्याप्त जलयुक्त गांव। चौथा विषय स्वच्छ एवं हरित गांव, ऐसे आत्मनिर्भर बुनियाद ढांचे वाला गांव। दोस्तों ऐसी तमाम विषय हैं इसमें और उसी विषय पे क्या क्या कार्य करना है वो भी तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं। पदनाम भी दिए गए हैं विभाग का
जो नाम है वो भी दिए गए हैं, और कौन इसकी अध्यक्षता करेगा वो भी दिए गए हैं, कौन सदस्य होंगे वो भी तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से इसको सजाया गया है, सभी को यहाँ पे निर्देशित किया गया, आदेशित किया गया है कि आप लोगों को इस विषय पर अच्छे से कार्य करना है। आप देख सकते हैं सचिव पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, स्टाफ ऑफिसर कृषि उत्पाद आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन, निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त मंडली उपनिदेशक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश, सभी को दोस्तों यहाँ पर संलग्न कर दिया गया है। मनोज कुमार सिंह द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, इस तरीके से इसको सजाया गया है। और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, पंचायती राज विभाग के क्षेत्र में या फिर गांव से जो भी योजनाएं जुड़ी है उसके क्षेत्र में एक बेहतर कार्य करने का इस लेटर के माध्यम से प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो साथियों, देखा आपने कैसे सभी विभाग को एक जगह रख के एक पत्र के माध्यम से सभी को निर्देशित किया गया है कि आपको कैसे कैसे कार्य करने हैं, और ग्राम पंचायत में जो भी योजनाएं नहीं पहुंची हैं वहां पे कैसे पहुंचाना है, और गांव को स्मार्ट कैसे बनाना है, गांव को बेहतर कैसे बनाना है, ग्राम पंचायत में जो भी योजनाएं नहीं हैं उस योजनाओं को कैसे गांव में पहुंचाना है, चाहे वो कृषि विभाग की योजनाएँ हों या किसी भी विभाग की योजनाएँ हों, पंचायती राज विभाग की योजनाएँ हों, सभी विभाग की योजनाएँ गाँव तक पहुँचे, यही मेन लक्ष्य को इसमें रखा गया है इस पत्र में। और कहीं ना कहीं इसका फैक्ट भी देखने को मिला है, क्योंकि अब जिम्मेदारियां भी बांट दी गई हैं कि कौन सी जिम्मेदारी किसके तहत आने वाली है और कौन किस तरीके से कार्य करने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।